गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारा फोर्थ चैप्टर लेट अस क्लीन टुगेदर इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें क्लीनलीनेस के बारे में बताया गया है। गांधी जयंती वाज सेलिब्रेटिंग इन आवर स्कूल ऑन 2 अक्टूबर, यानी हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे क्लीनिंग वाज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन, यानी कि गांधी जयंती के दिन हमारे संपूर्ण भारत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता जो भारत अभियान है, वो चलाया गया था। क्लीननेस मोमेंट हैड ऑल्सो टुक प्लेस इन आवर स्कूल टू, यानी स्वच्छता जो अभियान है वो हमारी स्कूलों के अंदर भी चलाया जा रहा है। गंगा टुक पार्ट इन इट एक्टिवली, यानी गंगा इस अभियान में यानी कि भाग ले रही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन गंगा सा दैट स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद गंगा ने देखा कि उनकी जो स्कूल है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा टोल्ड दिस टू हर मदर एट होम, गंगा ने घर आकर के अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया। दैट सी विल हेल्प हर मदर इन क्लीनिंग थिंग्स, उसने कहा कि वह भी अपनी मम्मी की घर को साफ करने में या चीज़ों को साफ करने में हेल्प करेगी। थिंक एंड राइट में देखिए, योर स्कूल हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड क्लीनिंग मिशन, यानी कि आपकी स्कूल जो है वो एक स्वच्छता अभियान ऑर्गेनाइज कर रही है। व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क हैव यू डन एट दैट टाइम, तो इस क्लीनिंग मिशन में आप किस प्रकार के कार्य करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ देम, इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से वर्क्स हैं वो आप करेंगे। व्हाट आर द एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस मिशन, यानी कि इस मिशन से हमें कौन कौन से एक्सपीरियंस मिलेंगे। व्हाट चेंज हैव यू डन इन योर हैबिट्स आफ्टर दिस क्लीन इंडिया मिशन, यानी कि इस मिशन के बाद में आपकी जो हैबिट्स हैं उसमें किस प्रकार का चेंज आएगा, वो सब इसमें करना है। वन स्टेप टुवार्ड्स क्लीनिंग, यानी कि स्वच्छता के लिए एक कदम। क्लीन इंडिया मिशन इज ए नेशनल लेवल मिशन, यानी कि क्लीन इंडिया जो मिशन है, स्वच्छता अभियान है, वो एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इट्स एम इज़ टू क्लीन द सिटीज रोड्स एंड पब्लिक पैलेसेज, यानी इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि जो भी सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, पब्लिक पैलेस हैं, उनको क्लीन रखना है। दिस मिशन हैड बीन स्टार्टेड ऑन गांधी जयंती एज 2 अक्टूबर 2014, यानी कि गांधी जयंती को 2014 के बाद से क्लीनलीनेस डे के रूप में भी मनाया जाता है। आफ्टर सम टाइम वेन गंगा स्टार्टेड टुवार्ड स्कूल, देन सी सा हिप्स ऑफ डम्प्स एंड गार्बेज इन रोड एंड कॉलोनीज, यानी कि कुछ समय बाद गंगा ने जब स्कूल आना शुरू किया तो उसने देखा कि जगह जगह पर जो यानी कि सड़क के किनारों पर और कॉलोनियों में जगह जगह कचरे के ढेर भरे पड़े हैं। सी डिड नॉट लाइक इट, उसने इसे पसंद नहीं किया। सी डिस्कस्ड विद हर क्लास फ्रेंड्स इन स्कूल, उसने अपने स्कूल के जो क्लास फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस किया। सी सैड वी ट्राइड टू कीप क्लीन आवर स्कूल्स एंड हाउसेज बट द रोड्स एंड कॉलोनीज आर डर्टी, यानी उसने कहा कि हमारे जो घर हैं और जो स्कूल है वो उसको साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे रोड्स हैं और कॉलोनीज हैं वो अभी भी डर्टी हैं। वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ सच क्लीननेस, यानी कि इस स्वच्छता से हमें क्या लाभ। हरीश ने अचानक से कहा इट इज़ नॉट आवर जॉब, यह हमारा कार्य नहीं है। वॉट कैन वी डू इन दिस मैटर, इस मैटर में हम क्या कर सकते हैं। डिस्कस एंड राइट, इज़ द क्लीनिंग ऑफ कॉलोनीज एंड गर्ल्स नॉट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कॉलोनियों की सफाई करना, फिर गली की सफाई करना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वॉट आर द रीजन्स ऑफ गार्बेज एंड अनटेडीनेस ऑफ गलीज एंड कॉलोनीज, यानी कि गलियों के अंदर जो कचरा है या फिर कॉलोनियों के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है उसका मुख्य कारण क्या है। वॉट कैन वी डू फॉर दियर क्लीनिंग, हम इसकी स्वच्छता के लिए क्या करेंगे, यानी इन तीनों क्वेश्चंस आप डिस्कस करके इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ट्राई टू नाउ एंड एक्सप्लेन व्हाई डज द क्लीनिंग ऑफ योर गली और कॉलोनी, यानी कि
आपकी गली और कॉलोनी की सफाई क्यों नहीं होती है? वॉट डिड दे डू विद कलेक्टेड गार्बेज, यानी कि जो गली और कॉलोनीज हैं उनके अंदर जो कचरा है वो क्यों इकट्ठा होता है? वॉट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दे फेस इन दिस वर्क, और इस कार्य को करने के लिए किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं? आगे देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ सच थिंग्स फ्रॉम गार्बेज ऑफ योर होम विच कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि इस प्रकार के गार्बेज हमारे घर के अंदर जो इकट्ठा होने वाला गार्बेज है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं। मेक सम यूजफुल थिंग्स फ्रॉम दीज कार्टून्स पेपर्स एंड एनवलप्स ETC, यानी कि हम इनसे विभिन्न प्रकार की यानी कि उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि कार्टून है, पेपर है और एनवलप्स हैं। एज मेक ए डस्टबिन फ्रॉम एम्पटी पैकिंग बॉक्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो कार्टून हैं उनसे हम डस्टबिन्स बना सकते हैं उनको खाली करके। मेक ए डस्टर रोप एंड मैट्स फ्रॉम यूज्ड क्लॉथ्स, यानी कि कपड़े से हम विभिन्न प्रकार के जो मैट्स हैं चटाइयाँ हैं वो बैठने के लिए या फिर डस्टर हैं वो बना सकते हैं। मेक डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम एम्पटी रेपर्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट्स के जो खाली रेपर्स हैं उनसे हम विभिन्न प्रकार के जो डेकोरेटिव आइटम हैं वो बना सकते हैं।